अक्सर हमें कद्दू खाना इतना पसंद नहीं होता है, लेकिन कद्दू में है बहुत सारे विटामिन्स, तो मम्मी बहुत सारे नुस्खे अपनाती है हमें कद्दू खिलाने के लिए। तो वैसे ही मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कद्दू के पूरी, जिसको मैं सर्व करूँगा कद्दू और आलू के सब्जी के साथ। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप इसे खाने के बाद आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि इसमें कद्दू है। और ये बनेगा बिना प्याज और लहसुन के। नमस्कार, देवदर्शी किचन में आप सबको स्वागत है। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपके सपोर्ट का मुझे काफी जरूरत है। तो चलिए आज का मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो कद्दू के पूरी यानी कि पम्पकिन के पूरी बनाने के लिए आज मैंने लिया है करीबन 300 ग्राम कद्दू, जिसको मैंने अच्छे से धो के काट के रखा है, और इसका पिछला वाला हिस्सा यानी कि पीछे वाला छिलका को भी मैंने अच्छे से पील किया है। इसके साथ मैंने लिया है आटा यानी कि होल व्हीट फ्लार। ये कटोरी को मैंने मेजरिंग कटोरी बना के इसमें से ही दो कटोरी मैंने आटा लिया है, और इसमें लिया है आधा कटोरी मैदा। तो ये कुछ था हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक ग्रेटर के मदद से रखे हुए कद्दू को अभी हमें कद्दूकस करना है। अब देखिए रखा हुआ कद्दू को मैंने कितना अच्छे से कद्दूकस कर चुका हूँ, ये देखिए। अब मैं गैस में एक कढ़ाई बिठा चुका हूँ और कढ़ाई में ऐड करूँगा थोड़ा सा तेल। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हमने जो कद्दूकस किया हुआ कद्दू को रखे थे अभी इसी तेल में ऐड करेंगे। और इसे हमें अभी थोड़ा टाइम तेल के साथ अच्छे से भुनना है, जैसे कि हमारा कद्दूकस किया हुआ कद्दू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगा स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और घर का बनाया हुआ लाल मिर्च के पाउडर। अगर आपको थोड़ा सा चटपटापन चाहिए यानी कि इसमें अगर आप टैंजी टेक्सचर ऐड करना चाहते हो तो आप इसी टाइम आमचूर के पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और मसालों के साथ इसे मुझे थोड़े टाइम भुनना है, जैसे कि हमारे कद्दू में जो पानी वाला पार्ट है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अब देखिए हमें ये कद्दू को भुनते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है और हमारा कद्दू भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अभी गैस का फ्लेम को मैं ऑफ कर देता हूँ और इसे थोड़ा टाइम ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ। तो चलिए इसी दौरान मैं पूरी के साथ सर्व करने के लिए बनाऊंगा आलू और कद्दू के सब्जी, और ये सब्जी बनेगा बिना प्याज और लहसुन की। तो जिसके लिए मैंने लिया है छोटा छोटा पीस करके कटा हुआ कद्दू, मैंने इसको अच्छे से धो के रखा है। उसके साथ मैंने लिया है 2 से 3 मीडियम साइज बॉइल्ड किया हुआ आलू और सीड निकाला हुआ रॉप चॉप किया हुआ टमाटर। तो चलिए कद्दू के सब्जी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई बिठा चुका हूँ और कढ़ाई में ऐड करूँगा थोड़ा सा तेल। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें ऐड कर लूँगा 2 सूखी हुई लाल मिर्च। इसमें ऐड करूँगा कुछ खड़े मसाले, जिसमें है दालचीनी, एक काला इलायची और 2-3 लौंग। अब मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा साबुत जीरा। अब मैं रखे हुए कद्दू को इसमें ऐड कर लूंगा। ऐड करूंगा स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, घर का बनाया हुआ गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर, और इसे अच्छे से मुझे मसालों के साथ थोड़ा टाइम ऐसे ही भुनना है।
हमारा कद्दू बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। इसे करीबन 5 से 7 मिनट लगता है पकने के लिए। तो ये सब्जी बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगा रखा हुआ कटा हुआ टमाटर और इसे अच्छे से मुझे ऐसे ही मिला देना है। गैस का फ्लेम को अभी हमें लो में ही रखना है और ढक्कन दे के करीबन 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। अब ये कद्दू में मैं ऐड करूंगा करीबन 1 कटोरी पानी। और इसे ढक्कन दे के थोड़ा टाइम बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। और हमने जो बॉयल किया हुआ आलू रखे थे, मैंने इसे अच्छे से मैश कर चुका हूँ। अब मैं ग्रेवी में इसे ऐड कर लूँगा और इसे मुझे ग्रेवी में अच्छे से मिला देना है और करीबन और 5 मिनट मुझे इसे ढक्कन दे के ऐसे ही पकाना है। तो चलिए इसी दौरान हम पूरी के डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने रखा हुआ आटा को इसमें ऐड करूंगा, रखा हुआ मैदे को। इसे हमें अच्छे से ऐसे हाथों में थोड़ा सा मिला देना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा अजवाइन, जिसको मैं हाथों में अच्छे से मल के अभी हमारा आटे में ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगा जो कद्दू का हमने मिक्सचर तैयार किया था उसे। याद रखना, अब पहले इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड मत करना, अपने जो ये मिक्सचर तैयार किया था उसी को ऐड करके आटे को गूंदने के लिए। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा पानी आप बाद में ऐड कर सकते हो। अब मुझे इसे अच्छे से आटे के साथ गूंदना है। अब देखिए थोड़ा टाइम हो चुका है मुझे डो बनाते हुए। अब मैं इसके ऊपर करीबन 1 चम्मच तेल ऐड कर लूंगा और इसे ऐसे ही और थोड़ा सा इसे तेल को अच्छे से चारों तरफ लगा के इसको थोड़ा टाइम रेस्ट के लिए छोड़ देना है। अब देखिए करीबन 5 मिनट हो चुका है और हमारा कद्दू के सब्जी भी बनके तैयार हो चुका है। अगर आपके पास हरी धनिया है तो आप चॉप करके इसके ऊपर दे सकते हो। मेरे पास नहीं था इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया है। ये ऐसे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, इसमें और भी ज़्यादा कुछ भी तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा टाइम हो चुका है और हमारे डो को भी अच्छे से रेस्ट मिल चुका है। तो चलिए अभी मैं इसका पेड़ा तैयार करूंगा और पूरियां बेलना शुरू करूंगा। अब मैं सारे पेड़े को तैयार कर चुका हूं। मैंने इसे थोड़ा बड़ा बड़ा करके बनाया है क्योंकि मैं इसे पूरा पतला करके नहीं बेलने वाला हूँ, इसको थोड़ा मोटा रखूँगा। अब मैं बेलन में लगाऊँगा थोड़ा सा तेल और बनाया हुआ रुई यानी कि पेड़े को इसके ऊपर रख लूँगा और इसे हल्की हल्की हाथों में हमें ऐसे ही बेलना है। साइज इतना ही रखने वाला हूँ और इसको बाजू में भी देखेंगे ये थोड़ा सा बस मोटा है, ज़्यादा भी मोटा नहीं है। अब मैं सारे पूरीस को अच्छे से बेल के तैयार कर चुका हूँ, तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। अब देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। फिर भी तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा? आप ऐसे रुई का एक छोटा वाला पार्ट तेल में ऐड कर लेना। ये देखिए तुरंत बबल्स आना शुरू हो गया है, इसका मतलब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी निकाल दूंगा। अब एक एक करके मैं बनाया हुआ पूरी को तेल में ऐड कर लूंगा। गैस का फ्लेम को आप मीडियम रखें
ये देखिए अभी हमारा पूरी कितना अच्छे से फूलने लगा है। और मैं इसे तेल से निकाल के एक प्लेट में रख लूंगा। वैसे ही मैं बाकी सारी पूरी को फ्राई करके तैयार कर लेता हूँ। अब ये देखिए मैं सारे पूरी को अच्छे से फ्राई कर चुका हूँ कि काफी नरम और मुलायम है। ये देखिए इसका कितना अच्छे से लेयर बनाया है। तो चलिए मैं वो फाइनल प्लेटिंग के साथ मिलता हूँ। अब देखिए प्लेटिंग के साथ हमारा कद्दू की पूरी यानी कि पम्पकिन का पूरी बनके तैयार हो चुका है। आशा करता हूँ मेरा बनाने का तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो घर पे बनाइए और अपनों के साथ एंजॉय कीजिए। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करने के लिए मत भूलना। With this, I'm going to end today's vlog. Hope you all enjoy your day. Thank you.